एक ऐसा खतरनाक वायरस जो लोगों को इन्फेक्टेड करके उनके ही फैमिली वालों को मारने के लिए मजबूर करता था। तो इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक शहर को दिखाते हुए जिसकी हालत पहले से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। शहर में मौजूद सारी की सारी फैसिलिटीज एकदम से खत्म हो जाती है और एक तरीके से चारों तरफ डिस्ट्रक्शन का माहौल बन गया था। पर अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली नाम की एक डॉक्टर मौजूद थी। जूली के यहाँ पर बेका नाम की एक लड़की काम करती है जो कि जूली से आकर एक दिन की छुट्टी मांग रही थी क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड स्काटी के साथ बेसबॉल का मैच देखने जाना था। जूली भी इस बात से खुश हो जाती है कि बेका उससे एटलीस्ट झूठ तो बोल के छुट्टी नहीं ले रही है, इसीलिए जूली बेका को छुट्टी प्रोवाइड कर देती है। अब हमें उसी फेमस बेसबॉल मैच का ग्राउंड दिखाया गया जहां पर डेविड और रसेल नाम की दो पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। दरअसल डेविड जूली का हस्बैंड होता है जो पिछले 10 सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अब डेविड और रसेल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि वो बेसबॉल का मैच अच्छे से करवाएं। डेविड तो सभी चीजें एकदम से कंफर्म कर रहा होता है पर तभी उसकी नजर रॉरी नाम के एक बूढ़े आदमी के ऊपर गई। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हो गई जब डेविड रॉरी के हाथ में गन देखता है और रॉरी तो पता नहीं क्यों एकदम बेहोशी हालत में उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। डेविड तुरंत ही अपनी गन लेकर रॉरी को वहीं पर रोकने के लिए कहता है लेकिन रॉरी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। डेविड के बहुत बार समझाने पर भी रॉरी गन नीचे नहीं रखता और अब तो रॉरी ने गन डेविड की तरफ पॉइंट करके उसका ट्रिगर दबाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी डेविड खुद की प्रोटेक्शन के लिए तुरंत ही रॉरी को जान से मार देता है और अगर डेविड ऐसा नहीं करता तो रॉरी उसकी जान ले लेता। सारी पुलिस फोर्स अब वहां पर आ जाती है। इस पूरे मामले की बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी की गई। अब रॉरी की वाइफ और उसके बेटे को जब ये खबर मिली तब वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वो दोनों तो रॉरी की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी थे जो एक तरीके से डेविड पर गुस्सा हो रहे होते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। डेविड तो कह रहा था कि रॉरी ने नशा किया था और उसने मेरी तरफ गन पॉइंट करके उसे चलाने की कोशिश की। लेकिन तभी रॉरी की वाइफ कहती है कि उसने कई सालों पहले नशा करना छोड़ दिया था और रॉरी को तो गन पकड़ना भी नहीं आता। रॉरी की वाइफ डेविड को बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक थप्पड़ मारकर चली जाती है। रॉरी जब अपनी वाइफ जूली के साथ घर पर मौजूद होता है तभी भी उसे काफी बुरा लग रहा था। वो नहीं समझ पाता कि आखिर उसने गोली कैसे चलाई और डेविड को कोई भी हक नहीं बनता कि वो दूसरों की जान ले सके। लेकिन जूली अब डेविड को कंफर्टेबल फील कराती है जिससे कि वो सारी बातें भूल जाए। अब यहाँ डेविड को अगले दिन डॉक्टर का कॉल आता है जो रॉरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे। डॉक्टर ने डेविड को साफ साफ कह दिया था कि रॉरी किसी भी टाइप का नशा नहीं करता था। इस बात से डेविड को बहुत ही ज्यादा टेंशन आने लगता है कि उसने एक बेगुनाह आदमी को जान से मार दिया। इन्हीं सारी चीजों का अच्छे से पता लगाने के लिए अब डेविड उसी बेसबॉल ग्राउंड में चला जाता है। वो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था तभी उसे स्टैंड्स में बैठा हुआ एक बैन नाम का आदमी मिलता है। बैन का चेहरा भी उसी जैसा लग रहा था जैसा कि रॉरी का था। बहुत बार आवाज देने पर भी बैन डेविड की बातों पर रिएक्ट नहीं करता लेकिन अब अचानक से एकदम होश में आकर बैन वहाँ से भागा चला जाता है। डेविड को कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या। अब हमें बैन की वाइफ दिखाई जाती है जो उसे लेकर जूली के पास आ गई थी क्योंकि बैन कुछ दिनों से अचानक अजीब तरीके की हरकतें कर रहा था। लेकिन जूली ने जब बैन का अच्छी तरीके से सारे टेस्ट किए तब उसे पता चलता है कि बैन शायद काफी ज्यादा टेंशन ले रहा है, उसे सिर्फ थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। इसीलिए अब बैन की वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर घर पर चली जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी पूरी फैमिली के लिए आखिरी रात होने वाली है। अब अचानक घर में से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आने के कारण बैन की वाइफ एकदम से उठ गई थी और चारों तरफ अपने हस्बैंड को ढूंढने लगी। बैन तो उसे पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक बैन की वाइफ अपने बेटे को ढूंढने के लिए उसके कमरे में चली गई पर उसका बेटा भी कमरे में नहीं होता। अब तो बैन की वाइफ को काफी ज्यादा डर लगने लगा था लेकिन दूसरे कमरे में ढूंढने के बाद उसे अपना बेटा एक अलमारी के अंदर मौजूद मिलता है। वो बता रहा था कि मेरे फादर बैन चाकू लेकर मेरा पीछा कर रहे हैं। इस बात से बैन की वाइफ भी डर जाती है और वो अपने बेटे के साथ ही उसी कमरे में खुद को बंद कर लेती है। बैन जो कि बाहर की तरफ मौजूद था और दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बैन की वाइफ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए दरवाजा ओपन नहीं करती। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी दरवाजा ओपन नहीं होता, इसीलिए अब बैन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस पूरे घर को ही आग लगा लेता है। देखते ही देखते पूरा घर जल चुका था जिसके अंदर बैन की वाइफ और उसका बच्चा भी मारा गया। अगले दिन जब ये सारी बातें डेविड और उसके डिपार्टमेंट वालों को पता चली तब उनका सीधा सीधा शक बैन के ऊपर चला गया था और उन्होंने बिना देरी किए बैन को कस्टडी में ले लिया। डेविड को बिल्कुल भी नहीं समझता कि बैन तो एक
एकदम नॉर्मल इंसान था। आखिर वो अपनी पूरी फैमिली को इस तरीके से कैसे मार सकता है। यहाँ जेल के अंदर भी बेन के चेहरे पर कुछ अजीब तरीके के चेंजेस दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर मौजूद सारे इमोशंस खत्म हो चुके हैं। अब डेविड को यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसके लिए वो अपने कुछ साथियों के साथ चला गया था। दरअसल नदी के किनारे वाले इलाके में एक पायलट की डेड बॉडी मिली है। इन्हीं सारी चीजों को डेविड की पूरी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उनके साथ जो डॉक्टर होता है वो पायलट की डेड बॉडी को देखकर ये बता रहा था कि शायद हो सकता है कि पायलट लड़ाई के दौरान यहाँ पर आकर गिर गया हो और उसकी प्लेन भी यहीं कहीं क्रैश हुई पड़ी होगी। सभी लोग ये देखकर थोड़ा सा चौंक गए थे क्योंकि उस पायलट की बॉडी अजीब तरीके से सड़ने लगी थी और नॉर्मल इंसानों की बॉडी इस तरीके से रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती। डेविड तो अब रसल नाम के अपने एक साथी के साथ उस प्लेन को ढूंढने के लिए चला गया था और अब थोड़ी देर के अंदर उन्हें वो प्लेन मिल भी जाता है जो पानी के अंदर डूब चुका था। लेकिन कहीं न कहीं डेविड को इन सारी चीजों पर थोड़ा सा शक होने लगता है, इसीलिए वो रसल के साथ वाटर सप्लाई ऑफिस के अंदर चला गया था, जो वहाँ के मैनेजर से पूछ रहा होता है कि लेक का पानी सबसे पहले कहाँ जाता था। मैनेजर बहुत ही ज्यादा मेहनत करके ये बताता है कि उस लेक का पानी सबसे पहले रॉरी के घर पर जाता था। डेविड तो इस बात से थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि ये सारी दुर्घटनाओं की शुरुआत रॉरी से ही हुई थी और अब डेविड को जिस बात का डर लग रहा था वो धीरे धीरे सच होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए अब डेविड शहर के मेयर के पास चला गया था और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि फिलहाल के लिए शहर के सारे घरों के अंदर वाटर सप्लाई थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि डेविड को लग रहा होता है कि पानी में जरूर कुछ मिला हुआ है जिसे पीने के बाद रॉरी और बेन जैसे लोग एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। लेकिन शहर का मेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, वो सारे सिटीजन को अपने खिलाफ होने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं देना चाहता था, इसीलिए मेयर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर डेविड को मना कर देता है। अब डेविड इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि अगर ये पानी पूरे शहर में फैल गया तो शायद जो हालत रॉरी और बेन की हुई थी वही पूरे लोगों की हो जाए। इसीलिए अब डेविड मेयर के मना करने के बावजूद भी वाटर सप्लाई को जाकर बंद कर देता है। अब डेविड रसल के साथ वापस अपने पुलिस स्टेशन आ चुका था, लेकिन वो देखते हैं कि बेन की हालत पहले से खराब हो चुकी है। बेन तो अगले मोमेंट में पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब तरीके की एक्टिंग करते हुए जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बेन का चेहरा और उसका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल चुका होता है। अब यहाँ डेविड और रसल ने मिलकर डिसाइड किया कि वो बेन को एक दूसरे जगह पर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि बेन की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन डेविड जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पर तो एक भी इंसान नहीं मौजूद था। सभी लोग अपने घर के अंदर छुपे हुए होते हैं पता नहीं किस रीजन की वजह से। अब डेविड जैसे ही एक हॉस्पिटल के साइट से जाता है तभी वहाँ से कुछ टूटने की आवाजें आने लगी थी। वो तुरंत ही हॉस्पिटल के अंदर जाकर चेक करने लगा, लेकिन यहाँ डेविड पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि एक आदमी जो कि स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था उसके माउथ को पूरी तरीके से सील दिया गया होता है। वो आदमी डेविड से कुछ कहना चाहता था, इसीलिए अब डेविड ने एक सीजर की मदद से उसके मुंह पर लगाए गए सारे स्टिचेस काट दिए। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक पागल डॉक्टर आ जाता है जिसने कि डेविड के ऊपर हमला कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। डेविड को अचानक सर पर चोट लगने से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन अब वो डॉक्टर तो डेविड को भी मारने के लिए आगे बढ़ा अपने एक वेपन की मदद से। पर डेविड किसी भी तरीके से उस वेपन को पकड़ लेता है और डॉक्टर को ही ढकेल कर उसे जान से मार देता है। डेविड को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि आखिर डॉक्टर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब डेविड सीधा अपने घर पर चला गया था अपनी वाइफ जूली को देखने के लिए। डेविड ने तो जूली को सब कुछ सच सच बता दिया होता है कि किस तरीके से शहर के लोगों का बिहेवियर अचानक चेंज होने लगा है और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है इसका उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तभी अचानक डेविड और जूली को लगता है कि उनके घर के बाहर कोई तो मौजूद है जो उनके ऊपर लगातार नजर रखते जा रहा है। डेविड जैसे ही देखने के लिए घर से बाहर निकलता तब कई सारे सोल्जर्स डेविड और उसकी वाइफ जूली को पकड़कर आर्मी वैन के अंदर लेकर आ जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर डेविड और जूली को पता चल गया था कि ये तो उन सभी के ही साथी हैं जो डेविड के साथ उसके डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। वो सभी लोग डेविड को समझा रहे होते हैं कि हमने पूरे सिटी को खाली करने का आदेश दे दिया है क्योंकि चारों तरफ एक खतरनाक वायरस फैल रहा है जो धीरे धीरे लोगों को ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट कर रहा था और अगर हम सभी को वायरस से बचना है तो शहर से दूर जाना पड़ेगा। अब वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स डेविड और जूली को लेकर एक मिलिट्री बेस कैंप में आ जाते हैं। इस कैंप के अंदर और भी कई सारे लोगों को लेकर आया गया था जिनकी बॉडी का प्रॉपर टेस्ट किया जा रहा था और उन्हें वैक्सीनेशन दी जा रही थी और जो भी लोग इस कैंप में आए हैं उन्हें टेस्ट देना जरूरी था। तभी अचानक उन सारे सोल्जर्स को जूली की बॉडी का टेम्परेचर काफी हाई लगता है और ये एक सिम्टम था कि वायरस उसकी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए अब सभी सोल्जर्स जूली को पकड़कर एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने लग जाते हैं। हालांकि डेविड अपनी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन सभी सोल्जर्स डेविड को भी काफी ज्यादा मारते हैं और उसे बाकी
की नॉर्मल लोगों के साथ बंद कर देते हैं। डेविड बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि वो अपनी वाइफ जूली को कैसे बचाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो उन्हीं सारे नॉर्मल लोगों के साथ रुकता है जो उस बेस कैंप के एक नए सेक्टर में आ चुके थे। अब यहाँ डेविड को पता चलता है कि सोल्जर्स ने पूरे शहर से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है और जो भी लोग इन्फेक्टेड पाए जा रहे थे उनका बिना कुछ ट्रीटमेंट किए वो सोल्जर्स उन्हें जान से मार दे रहे थे। डेविड को अपनी वाइफ जूली की बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगी, इसीलिए वो तुरंत ही मिलिट्री की एक व्हीकल उठाता है और वहां से डायरेक्ट अपने ऑफिस में चला जाता है। डेविड ने तो उस जगह पर एक गन छुपा कर रखी थी जिसे कि वो अपने साथ ले लेता है। वहां पर तो उसे रसल भी मिल गया था। डेविड रसल को बताता है कि जूली 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी और शायद उसका बॉडी टेम्परेचर इन्हीं रीजंस की वजह से बड़ा होगा, यानी कि वो इन्फेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है और अगर उन्होंने जूली को बचाने में जरा भी देरी की तब शायद वो सोल्जर्स जूली को भी खत्म कर देंगे। अब हमें जूली को दिखाया गया जो एक बहुत ही बड़े चैम्बर में एक स्ट्रेचर के ऊपर लेटी हुई थी। वहाँ पर तो उसकी तरह और भी सारे पेशेंट होते हैं। जूली तो नोटिस करती है कि उस जगह पर उसकी असिस्टेंट बेका भी मौजूद थी जो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी उस जगह पर एक पागल आदमी आ गया था जो कि इन्फेक्टेड था। उसे कुछ नहीं समझ रहा होता कि वो क्या कर रहा है। वो तो लगातार एक नुकीले वेपन की मदद से स्ट्रेचर पर मौजूद सारे पेशेंट्स को जान से मारता जा रहा था, जैसे कि उस आदमी को कोई दूसरा ही पर्सन कंट्रोल कर रहा है। और अब बारी आ गई थी बेका की। वो आदमी जैसे ही बेका को मारने जाता तभी जूली ने आवाज करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, इसीलिए अब वो इन्फेक्टेड आदमी जूली के पास चला जाता है। पर अब जूली को नहीं समझता कि वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करे। लेकिन जूली बहुत ही ज्यादा लकी होती है कि डेविड उस जगह पर सही समय पे आ गया। डेविड ने तुरंत ही अपनी गन की मदद से उस आदमी को जान से मार दिया था, जिसके बाद डेविड रसल के साथ जूली और बेका को वहां से छुड़ा लेते हैं। वो चारों जल्द से जल्द वहां से बचते हुए बेका के बॉयफ्रेंड के पास जा रहे थे, लेकिन बेका का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी मॉम को सोल्जर्स ने पकड़ लिया होता है। उन्हें पता चल गया था कि बेका के बॉयफ्रेंड की मॉम इन्फेक्टेड है, लेकिन अब उस जगह पर कई सारे सोल्जर्स की टीम आ जाती है जिन्होंने आसपास के लोगों का स्कैन करना स्टार्ट कर दिया था और अगर जो भी इन्फेक्टेड निकलता वो उन्हें जान से मार देते। डेविड और उसके सभी साथी एक चैम्बर के अंदर छुपे हुए होते हैं, लेकिन बेका का बॉयफ्रेंड अपनी मॉम को बचाने के लिए लगातार भागते हुए जा रहा था। पर शॉकिंग बात ये होती है कि सोल्जर्स ने बिना कुछ डिटेक्शन किए बेका के बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम को जान से मार दिया। ये नजारा तो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला होता है। पर अब एक सोल्जर जल्द से जल्द उसी चैम्बर के अंदर आ जाता है जहाँ डेविड और बाकी सब छुपे हुए थे, लेकिन डेविड और रॉजर बड़ी चालाकी से उस सोल्जर का वेपन ले लेते हैं और उसे अपने पास बंदी बना लेते हैं। डेविड तो उस सोल्जर से पूछने लगा कि आखिर तुम सभी लोग इस तरीके से लोगों को मार क्यों रहे हो, लेकिन वो सोल्जर बताता है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अपने लीडर का ऑर्डर फॉलो कर रहा था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। वो सोल्जर कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। डेविड इस तरीके से किसी की जान नहीं ले सकता, इसीलिए वो सोल्जर को छोड़ देता है। डेविड तो अब जल्द से जल्द सभी को लेकर अपने घर पर आ गया था, क्योंकि उसके घर पर गाड़ी के साथ साथ और भी सारी चीजें मौजूद हैं जिससे कि वो इस क्रिटिकल कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। अब यहाँ डेविड के घर में रॉली की वाइफ और उसका बेटा मौजूद था, लेकिन उन दोनों के बिहेवियर में भी काफी सारी चेंजेस दिखाई देते हैं। जूली जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंची, रॉली की वाइफ और उसके बेटे ने उसे पकड़ लिया। पता नहीं क्यों वो जूली को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। तब जाकर हमें पता चला कि रॉली की वाइफ और उसका बेटा भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जो धीरे धीरे एक खतरनाक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे थे। वो दोनों तो जूली को जान से मारने ही वाले थे, लेकिन सही समय पर डेविड वहां आ जाता है और रॉली की वाइफ को मारने लगता है। डेविड उनके ऊपर जरा भी रहम नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तभी रॉली का बेटा पीछे से गन लेकर डेविड के ऊपर पॉइंट कर देता है। वो जैसे ही डेविड के ऊपर गोली चलाता, रसेल ने उस लड़के को जान से मार दिया था, नहीं तो आज डेविड भी जिंदा नहीं बचता। डेविड समझ चुका था कि अब वो खतरनाक वायरस बहुत ही बड़े पैमाने पर फैलता जा रहा है। अब जब सारे लोग वहां से बाहर निकल रहे थे तब जूली ने रसल की बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे। रसल पहले से काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था, इसीलिए अब जूली और डेविड को उसके ऊपर शक होने लगा। बचे हुए चारों लोग अब कार के अंदर बैठकर कहीं सेफ जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आसपास ही घूम रहे थे। उनमें से ही एक हेलीकॉप्टर अब उनके पास आने लगता है जो शायद उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना चाहते थे। डेविड तुरंत ही अपनी कार को एक वॉशिंग सेंटर में लेकर आ जाता है। वो सोच रहा था कि यहाँ पर हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे,
लेकिन जो स्टाफ वहां पर काम करता था वो भी वायरस से इन्फेक्टेड होकर जॉम्बी में कन्वर्ट हो गए होते हैं। और अब वो सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे डेविड की कार पर हमला करने लगे थे, जिससे कि उनकी कार वॉशिंग सेंटर के एकदम बीच में ही फंस जाती है, जिसके बाद उन्हें कार के अंदर इतनी ज्यादा सफोकेशन हो रही थी कि वो कैसे भी करके बाहर निकल रहे थे। सामने आने वाले सभी लोगों को डेविड और रसल मारते जा रहे थे, लेकिन बुरी बात ये होती है कि इस पूरे इंसिडेंट में बेका की मृत्यु हो चुकी थी। डेविड, रसल और जूली काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि एक एक करके उनके फैमिली मेंबर से लेकर उनके सभी दोस्त मारे जा रहे थे। और अब तो थोड़ा आगे बढ़ने पर उनकी कार भी खराब हो जाती है, जिससे कि अब उन्हें वॉक करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। उन तीनों के तो बचने के चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, क्योंकि एक तरफ आर्मी मौजूद थी जो उन्हें पकड़कर कस्टडी में बंद कर देगी, और अगर वो तीनों इसी तरीके से घूमते रहे तो कोई ना कोई ज़ॉम्बी उन्हें काट लेगा। डेविड को अब रास्ते में एक कार दिखाई देती है, लेकिन वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। थोड़ी देर तक उसी जगह पर वेट करने के बाद एक दूसरी कार चलती हुई आती दिखाई देती है। डेविड ने सोचा कि वो उस कार के अंदर से ड्राइवर को हटाकर उसका यूज करेंगे और सिटी से जल्द बाहर निकल जाएंगे। डेविड तो सिंपली गन पॉइंट करके उस कार के सामने खड़े हो जाता है, लेकिन रसल पता नहीं क्यों कार को स्टॉप करने वाले हथियार को लेकर नीचे डाल दे रहा था, जिससे कि वो कार पूरी तरीके से पलट जाती है। डेविड नहीं समझ पा रहा था कि आखिर रसल ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें कार की सख्त जरूरत है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। रसल एकदम पागलों की तरह कार के पास चला जाता है, जिसके बाद पता चला कि उसके अंदर तो शहर का मेयर था, जिसने कि डेविड को पानी की सप्लाई बंद करने की परमिशन नहीं दी होती है। डेविड भी अब मेयर के पास आ गया। रसल तो मेयर को मारना चाहता था, लेकिन डेविड उसे रोकता है। डेविड ने मेयर से पूछा कि आखिरकार उस पानी में हुआ क्या था जहां पर वो प्लेन क्रैश थी। तब जाकर मेयर सारी सच्चाई बताते हैं। उन्होंने कहा कि प्लेन के अंदर एक ऐसा बायोकेमिकल मौजूद था जो किसी वायरस की तरह काम करता था, और इस वायरस को हम अपने एनिमीज के खिलाफ बायो वेपन की तरह यूज करना चाहते थे, लेकिन गलती से वो प्लेन पानी में ही क्रैश हो गया और वो वायरस वहीं फैल गया। इस वायरस का सस्टेनेबल पीरियड एक दिन का होता है, यानी कि जो भी इस वायरस से इन्फेक्ट होगा वो सिर्फ एक दिन तक ही नॉर्मल इंसान रहेगा, उसके बाद या तो वो मर जाएगा या फिर एक खतरनाक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होगा। इस बात से डेविड को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वायरस पानी में फैलने की वजह से ही वाटर सप्लाई पूरी तरीके से फैल चुका था, जिसके साथ वो वायरस भी होता है। रसल ने तो तुरंत ही अपनी गन उठाई और मेयर को जान से मार दिया। डेविड रसल को कह रहा था कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम इस तरीके से वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो। तब जाकर रसल फिर से गुस्सा होकर डेविड के ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। यहाँ डेविड भी समझ गया था कि शायद रसल भी वायरस से इन्फेक्टेड है और इसीलिए उसके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। एक दिन के अंदर अंदर रसल भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अब डेविड जूली के साथ एक अच्छे मौके का इंतजार करता है और रसल के ऊपर मारने के लिए टूट पड़ता है। उसने तो रसल के सारे वेपन्स ले लिए थे और उसे मारने की धमकी दी, जिससे कि रसल भी थोड़ी देर बाद रेडी हो जाता है डेविड का साथ देने के लिए। वो तीनों तो किसी भी तरीके से ट्रेवल करते हुए मिलिट्री के बेस कैंप तक पहुंच गए थे। मिलिट्री बेस पर तो बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी मौजूद थी, जहां से निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तभी रसल डेविड को बताता है कि यहां से कुछ ही दूरी पर एक नेशनल हाईवे है, जहां से मिलिट्री सिक्योरिटी पूरी तरीके से हटा दी गई है, और अगर तुम वहां चले जाओ तो उस रास्ते से सिटी से बाहर निकल सकते हो। हालांकि रसल ने ये प्लान बहुत ही पहले बनाया था जहां से सिटी से बाहर निकला जा सके, लेकिन अब तो वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी कि अगर वो सिटी से बाहर निकल भी गया तो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अब रसल डेविड और जूली को कहता है कि तुम दोनों यहां से चले जाओ, मैं जाकर उन सारे मिलिट्री ऑफिसर्स का ध्यान भटकाता हूं। हालांकि डेविड ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन रसल समझाता है कि अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो हम तीनों की जान चली जाएगी। सिचुएशन को समझते हुए डेविड और जूली वहां से निकल पड़े थे। वहीं अब रसल आगे बढ़ता है मिलिट्री बेस कैंप की तरफ और सारे सोल्जर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। उन सोल्जर्स को पता चल गया था कि रसल इन्फेक्टेड है, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने रसल के ऊपर फायर कर दिया, जिससे कि रसल कुछ ही सेकंड्स के अंदर मारा जाता है। वहीं अब डेविड और जूली लगातार नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ने लगे थे। रास्ते में उन्हें एक शॉप दिखाई देता है, जिसके अंदर डेविड जाकर कुछ खाने के सामान इकट्ठा कर रहा था। वहां पर तो एक ट्रक भी मौजूद होती है, जिसका यूज करके वो यहां से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए अब डेविड उस ट्रक की कीज ढूंढने लगा था, लेकिन जूली जो कि ट्रक के पास खड़ी होती है उसके ऊपर दो ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। जूली बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो ट्रक के अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है। डेविड किसी भी तरीके से चाबी लेकर वहां आ जाता है, क्योंकि जूली लगातार चिल्लाते जा रही थी। डेविड ने एक ज़ॉम्बी को नीचे गिराकर मार दिया, लेकिन वो जैसे ही ट्रक के अंदर जाता है तभी बाकी ज़ॉम्बीज ने डेविड को पकड़कर नीचे खींच लिया था। एक ज़ॉम्बी डेविड के ऊपर हावी हो रहा था तो दूसरा ज़ॉम्बी जूली को मारने की कोशिश करता है, और अब दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो इन ज़ॉम्बीज को खत्म करेंगे और इनसे फाइट करेंगे। डेविड किसी भी तरीके से ट्रक के एक कोने में जाकर
आकर उस ज़ॉम्बी को जलाकर मार देता है। वहीं जूली के पास डेविड की गन मौजूद थी जिससे कि उसने यूज करके दूसरे वाले ज़ॉम्बी को भी मार दिया। अब डेविड और जूली बिना कुछ सोचे समझे ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और रसल द्वारा बताए गए उस नेशनल हाईवे के रूट को पकड़कर बाहर निकलने लगे थे। हालांकि उन दोनों को लग रहा था कि अब वो बच जाएंगे, तभी वॉकी टॉकी पर एक खबर सुनाई जाती है कि पूरी सिटी को जल्द से जल्द एक न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और उसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका था। डेविड ये बात सुनते ही जूली को कहता है कि तुम अच्छे से पकड़ लो, जिसके बाद वो ट्रक को काफी ज्यादा स्पीड में भगाते जा रहा था क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद उसकी वाइब्रेशन कई किलोमीटर तक महसूस होती है। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब सिटी के ऊपर गिरा दिया गया था और इस धमाके के कारण डेविड और जूली की ट्रक भी पलट जाती है, लेकिन लकीली उन दोनों की जान बच गई थी। डेविड और जूली अपने आगे का सफर वॉक करके निकालते हैं और वो दोनों खुश हो रहे थे कि वो एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंच चुके हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सिटी के अंदर भी कुछ ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे और अब सोल्जर्स उस सिटी के अंदर भी न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग करते हैं जिसमे की शायद डेविड और जूली भी ना बच पाए और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।